हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज हम आपको बताएंगे दही बैंगन। ये एक उड़िया रेसिपी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इसके लिए हमने 250 ग्राम बैंगन लिए हैं, एक कटोरी दही लिया है, फ्रेश दही ले लें, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और पंच फोरन तड़के के लिए एक प्याज को लंबा लंबा बारीक काट लें, एक हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और लहसुन अदरक थोड़ा थोड़ा काट लें और हींग। बैंगन को इस तरह से लंबे लंबे पतले पीस काट लें। अगर ज़्यादा बड़ा बैंगन है तो हमने दो पीस कर दिए, हाफ हाफ कर लें। अगर छोटे बैंगन है तो एक बार में इस तरह से पीस काट सकते हो। इस तरह सारे बैंगन को काट लें। बैंगन को हमने साबुती धो लिया था, अब इसको काट लिया है। अब फिर से इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं धोया पहले तो इसको धो लें। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें हमने सरसों का तेल डाला है, तेल गर्म हो गया। अब इसमें सबसे पहले हींग डाल देंगे। हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब पंचफोरन डाल देंगे, थोड़ा सा इसको चटकने देने। उसके बाद हमने प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च कड़ी पत्ता डालना है। अब इसको हमने थोड़ी देर भूनना है। प्याज हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे नमक हल्दी मिर्च और इसको थोड़ा सा चला के अब हमने बैंगन डाल देने हैं। सारे बैंगन डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद गैस को सीम कर देंगे। उसमें पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना, ढक्कन लगा के सीम आंच पर 5 मिनट पकाना है। बैंगन हमारे पक चुके हैं, इसको हमने बीच बीच में चलाया, पानी बिल्कुल नहीं डाला। इसको भाप में ही पकने देना ढक्कन लगा के। अब हमने गैस को बंद कर देना है और इसमें दही डाल देना है। दही डालने के बाद इसको हिला देंगे ताकि हमारा दही फटे ना। इस तरह से इसको अच्छे से मिला दें। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हमारे उड़िया स्टाइल दही बैंगन खाने के लिए तैयार हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इसके साथ दाल चावल हो तो क्या बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।